नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बचना स्थित नजीबाबाद थाना क्षेत्र की, जहां थाना क्षेत्र के तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धनवीर सिंह भी मौजूद रहे। डीएम और एसपी ने समाधान दिवस में आने वाले फरियादियों की शिकायतें भी सुनी। समाधान दिवस में बहुत से फरियादियों ने आकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने सभी की समस्याओं को सुनकर उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण भी किया। इस दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया, समस्याएं आई हैं वो सभी अधिकारी यहां से प्राप्त कर देंगे और समय के अंतर्गत उनका निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे। और बहुत सारे ऐसे मामले मैंने निस्तारण देखा है जिनपे टिप्पणी भी अंकित की गई है कि वो संपूर्ण ढंग से जो उसका समाधान होना चाहिए नहीं हो पाया, तो उस पे संबंधित अधिकारियों को चेतावनी भी जारी की जा रही है और ये भी निर्देशित किया जाए उनका तत्काल 3 दिन के अंतर्गत निस्तारण करा करके अवगत कराए। और एसडीएम साहब, जिन अधिकारियों का समय से निस्तारण नहीं होता उनको सभी को मेरी तरफ से चेतावनी जारी करेंगे। वहीं समाधान दिवस में मौजूद उपजिलाधिकारी ने बताया कि समाधान दिवस में कुल 37 शिकायतें आईं, जिनमें से 8 शिकायतों का निस्तारण भी कर दिया गया। इस दौरान समाधान दिवस में पुलिस क्षेत्राधिकारी गजेंद्र पाल सिंह सहित तहसीलदार और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी व भारी संख्या में फरियादी मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़ रहा बंधन समाचार के साथ।